मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच पैदा हुई खटास को कम करने की कोशिश जारी है। एक ओर जहां सपा नेता अखिलेश यादव अपने बयानों से हालात को समान करने में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने एक ऐसा फैसला किया जिससे दोनों दलों के बीच खटास कम हो सकती है। एमपी चुनाव के दौरान सीटों पर सामंजस्य और समन्वय न बन पाने की वजह से कांग्रेस और सपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, एमपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गई थी। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने भी सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। उधर एमपी में मिली हार के बाद कांग्रेस इस बात को लेकर सचेत हो गई कि इंडिया अलायंस के दलों के बीच समन्वय नहीं बना तो लोकसभा चुनाव में भी बात बिगड़ सकती है, जिसका असर यूपी में भी सीट शेयरिंग पर पड़ सकता है। ऐसे में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां कम कर दी है। इस बीच कांग्रेस ने कमलनाथ को एमपी कांग्रेस चीफ के पद से हटा दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से अखिलेश यादव के मन की खटास और कम हो सकती है और सपा के साथ अब एमपी और यूपी दोनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान सकारात्मक मोर्चे पर वार्ता हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, AK न्यूज।